जोहार, अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं ईचागढ़ क्षेत्र में आया हूं और ईचागढ़ क्षेत्र बहुत ही बदहाल, बहुत ही दुखित जिला मैं कहूंगा झारखंड राज्य का। और जैसा कि आपको पता ही होगा, ईचागढ़ क्षेत्र पिछले 40-43 वर्षों से कुंठित है, तबाह है अपने चांडिल डैम को लेकर के। 116 गांव, 84 मौजा के लोग आज तड़प रहे हैं प्रशासन अधिकारियों के जुल्म और सितम का। चांडिल ईचागढ़ क्षेत्र के हमारे साथ में राकेश रंजन महतो जी, जो JBKCS के केंद्रीय महासचिव भी हैं, साथ ही साथ चांडिल डैम अधिकार मंच के अध्यक्ष हैं। राकेश रंजन महतो जी, आपका अब तक न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज सबसे पहले जो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, आपसे सवाल करूँगा, आपसे जानना चाहूँगा कि आप JBKCS में जुड़ चुके हैं और आज बहुत ही लगनता से, बहुत ही अच्छी तरह से JBKCS JLKM यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तहत काम कर रहे हैं और अपने चांडिल ईचागढ़ क्षेत्र के लोगों के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन आज जो है ईचागढ़ क्षेत्र में मैं देख रहा हूं कि अभी JBKCS की बात करूं या JLKM की बात करूं, तो काफ़ी लोग जो कल तक दूसरे दलों में थे या फिर नए नए आपके JBKCS में या JLKM में आए हैं, वो भी देख रहा हूं कि पद के लिए परेशान है या फिर विधायक बनने के लिए परेशान है। इस पर आप क्या अपनी राय देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको मैं जोहार करता हूं, साथ ही साथ आपके तमाम श्रोताओं को, आपके चैनल के तमाम श्रोताओं के साथ साथ मेरे विधानसभा और साथ ही साथ पूरे झारखंड प्रदेश एवं भारतवासी को आज भारत के 78वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ में मैं सबको बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। रही बात आपकी बात का कि आज हमारी आंदोलन, दो वर्ष के आंदोलन, उसके बाद लगभग 9 से साल भर के हमारे ये राजनीतिक जो JLKM के रूप में हम सारे लोग कर रहे हैं। अभी क्या है ना कि ये सत्य है कि कोई भी घटना के, दुनिया में कोई भी घटना घटता है तो हर घटना के 3 फेज होते हैं। पहला फेज होते हैं शुरुआत दौर, इनिशियल टाइम को क्या होता है ना कि उस समय लोग आपके साथ जुड़ेंगे कम, आपकी बहुत सारे बुराई करेंगे, आपके बहुत सारे आलोचनाएं करेंगे। आप अच्छे भी करोगे तो भी लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे, आप पर विश्वास नहीं करेंगे। हम लोग जब शुरुआत में JBKCS यानी कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के पूर्व की अगर मैं बात करूँ, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति से हम सारे लोग जुड़े हुए हैं। जब इसकी शुरुआत धनबाद में कुछ भाषाओं को झारखंड सरकार ने गलत तरीके से जो जोड़ा था, उन सारों के विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ था कोयलांचल में, धीरे धीरे वो आंदोलन जब हमारे कोल्हान तक पहुंचा तो जो कि भाषा के साथ खतियान का ऐड हो चुका है, उस समय बहुत ही कम लोग जुड़ा करते थे, बोला करते थे ये कल के लोग क्या करेंगे, क्या बदलाव लाएंगे। लेकिन समय के साथ फिर दूसरा दौर आया, टाइम अप जो फेस होता है, जिसमें प्रसिद्धि का फेमसिटी ऑफ फेस दूसरा होता है, यानी कि प्रसिद्धि का दौर। धीरे धीरे लोग जानने लगे, धीरे धीरे हमारे पार्टी के विचारधारा को लोग समझने लगे, धीरे धीरे लोगों के अंदर हमारे प्रति थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा। हम सारे लोगों ने, जितने पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, या जितने भी कंपनियों में लोग परेशान होकर या देहांत हो जा रहे, तो उन सारे लोगों को हमारे दल ने, हमारे संगठन ने, हमारे पार्टी ने मुआवजा दिलाने का काम किया। तो धीरे धीरे क्या होना कि लोगों तक ये पहुंचने के, तो फिर थर्ड आता है, कोई भी घटना का थर्ड फेस होता है, और ये फेस बहुत ही खतरनाक फेस होती है, उसको बोलते हैं फेस ऑफ कंपटीशन, यानी कि प्रतियोगिता का दौर। तो आज हमारे JBKCS जो JLKM पार्टी में रजिस्टर्ड होने के बाद जो पार्टी में परिवर्तन हो चुका है, आज लोग कंपटीशन के दौर में हो रहा है कि हर कोई चाह रहा है कि किसी तरीके से हम JLKM में हम अपना दावेदारी पेश करें, किसी तरीके से कि हम इससे जुड़े। तो देखिए, जो भी लोग आए
उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक संगठन बढ़ेगी नहीं, और इस संगठन में हर एक किस्म के लोगों की आवश्यकता है, तरबुजाकार चाहिए, बुजुर्ग भी चाहिए, महिला भी चाहिए, STSC भी चाहिए, माइनॉरिटी भी चाहिए, विस्थापित भी चाहिए, 18 साल के भी चाहिए, और हमें 60, 65, 70, 80 के भी लोग चाहिए। तो जितने भी लोग आ रहे थे स्वागत है, लेकिन अगर कोई स्वार्थ भावना से आ रहे हैं कि चलो मैं इतने दिनों से इस पार्टी में था, उस पार्टी में कोई कुछ नहीं कर पाया, तो इस पार्टी में अगर मुझे कोई उम्मीद मिलता, हाँ उम्मीद है, आप आइए, आप अपना दिखाइए पार्टी के प्रति, आप अपना दिखाइए कि कितना आप इस पार्टी के हित में, हितार्थ में काम कर सकते हैं, आप पार्टी के लिए क्या योगदान दे सकते हैं, आप संगठन को मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं। और आपको छोड़कर अगर पूर्व से जो इस किसी भी विधानसभा में अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पूर्व आंदोलन से जो लगे हुए हैं, अगर उनको टिकट मिलता है तो क्या आप उनके लिए क्या काम करते हैं, ये सारा चीज़ अपने आप को साबित करने के बाद ही आप स्थायी तौर पर, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, स्थायी तौर पर आप यहाँ पर रह सकते हैं। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जब फेस अप अब कंपटीशन चल रहा है, लोग आ रहे हैं, कल भी आएंगे और आने वाले दिन में बड़े बड़े चेहरे भी आएंगे। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं कि दूसरे दलों की तरह, जैसे मान लीजिए कि किसी के पास पैसे कम है, वो केवल आंदोलन किया है लेकिन गरीब परिवार से है, कुछ ऐसे भी हैं जो करोड़पति हैं, लखपति हैं, लेकिन अपने रसूख के बल पर वो पार्टी में आ जा रहे हैं और कल को विधायक का टिकट ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा हमारा प्रोसेस बताता हूँ। हमारे पार्टी JLKM के, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार, साथ ही साथ जो हमारे कोर कमेटी हैं सेंट्रल के, उनके अनुसार बैठक के बाद जो निर्णय लिया गया कि 8 अगस्त से 13 अगस्त तक दावेदारी के लिए फॉर्म भरना था। फॉर्म भरने के बाद जिस भी विधानसभा से जितने भी प्रत्याशियों ने दावेदारी दिया, उन सारे लोगों का नाम लिस्ट जाएगा, एक प्रोटेम कमेटी बनाया हुआ है, प्रोटेम कमेटी। अब प्रोटेम कमेटी के काम क्या, उन नामों को लेकर उस उक्त विधानसभा में, जिस विधानसभा से उन्होंने फॉर्म जारी किया, वहाँ पर जाकर उन नामों पर चर्चा करेंगे, उन नामों को लेकर उन सारे गांवों में, वहाँ के जनताओं के बीच, वहाँ बड़े बुजुर्ग के बीच, यानी कि जितने मतदाता हैं, मतदाताओं के बीच में जाकर वे क्या करेंगे, उन नामों पर चर्चा करेंगे, और वहाँ से जो शॉर्टलिस्टेड नाम होकर आएगा वो जाएंगे क्या, जहाँ पर प्रमंडल कमेटी बना हुआ है। अब प्रमंडल कमेटी भी इन सारे लोगों के क्रम अनुसार, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जितने भी शॉर्टलिस्ट आएंगे, वे भी अपने जो क्षेत्र के अनुसार, जिस तरह से वे भी क्षेत्र में जानकारी लेकर आएंगे, उस हिसाब से वे भी क्या करेंगे, उन सारे को क्रमवार तरीके से भेजेंगे किसके पास, जहां पर 25 लोगों के केंद्र कमेटी बना हुआ है, कोर कमेटी बना हुआ है, वे कोर कमेटी फिर इन सारे लोगों को प्रोटेम कमेटी, उसके बाद साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के जितने भी आपका केंद्रीय पद में है, उन सारे लोगों के साथ भी वो चर्चा करने के बाद, और लास्ट में जाकर वहाँ पर क्या होगा, नहीं कि प्रत्याशियों के घोषणा होगा। तो ये तो नीट एंड क्लीन और पूरा पारदर्शिता है, फिर इसमें किस तरीके से। और साथ ही साथ एक अहम बात मैं बताने ही भूल गया कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो के निर्देश अनुसार उन्होंने क्या किया कि एक 10 प्रश्नों का उन्होंने एक इंटरव्यू भी एक तैयार रखे हैं, जिसमें वो इंटरव्यू के आधार पर उसको पॉइंट दिया जाएगा, और उस पॉइंट के आधार पर जो आगे होंगे उन्हीं को प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। ये तो पूरा पारदर्शिता है। अच्छा, मतलब ये पूरी तरह से संवैधानिक तरीके से अपना काम कर रहे हैं। हाँ, पूरे संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। लेकिन एक चीज है जो आज सोशल मीडिया में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, राकेश जी मेरे पास आप ये जो फॉर्म है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का फॉर्म है। ये फॉर्मेट तैयार किया गया है केंद्रीय कमेटी की तरफ से, और ये राकेश रंजन जी आपने ये इसको फिलअप किया है। तो ये फॉर्म के बारे में, ये 4 पेजों का है, ठीक है। तो कहते हैं कि मैं अभी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ये चर्चा का विषय बना हुआ, कुछ लोग इस फॉर्म के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं कि ये फॉर्म जो है मुश्किल से 1 से 1.5 रुपये का फॉर्म है, ये 4 पेज का फॉर्म है, लेकिन इसके बावजूद जो है ये फॉर्म जो है 5100 रुपये में बेचा जा रहा है, या जो कमेटी है आप लोगों की JLKM की कमेटी के द्वारा इसको मतलब जबरदस्ती किया दिया जा रहा है। क्या ये फॉर्म जो 5100 रुपये लिया जा रहा है ये किस बात के लिए लिया जा रहा है? सबसे पहले तो मुझे घोर आश्चर्य हो रहा है, पता नहीं लोग कहाँ से कैसे
किस तरह का आपका... मैं तीर्थनाथ आकाश के बारे में बात करूंगा कि तीर्थनाथ आकाश ये बहुत ज्यादा ये हर रोज अपने सोशल मीडिया में छोड़ रहा है। देखिए आपके चैनल के माध्यम से तीर्थनाथ आकाश जी को साथ ही साथ अन्य और भी जितने सारे लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि ये फॉर्म JBKSS अथवा JLKM के तरफ से बेचा जा रहा, ये तो सरासर गलत है। क्योंकि मैं खुद इचागढ़ विधानसभा से मैं इस फॉर्म के माध्यम से मैं दावेदारी दिया हूँ, तो मुझसे बेहतर हुए लोग नहीं बता सकते हैं जो बाहर ही बाहर कमेंट कर रहे हैं, टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। देखिए आज अगर मैं तीर्थनाथ आकाश की बात करूँ तो हमें लगता है ना कि वो एक बहुत ही जलनशील किस्म के व्यक्तित्व वाले लोग हैं। कहने का मतलब इससे बस वो काम कर रहे हैं क्या? कहने का अर्थ है कि किसी भी जगह फॉर्म पे लिखा नहीं हुआ कि इसका शुल्क कितना है, ये निशुल्क है। फॉर्म का कोई कीमत नहीं लग रहा है, कोई भी दाम नहीं लग रहा। अब आप कहेंगे कि 5100 किस लिए लग रहा है? 5100 जो है वो जितने भी केंद्रीय कमेटी हमारे हैं, हमारे केंद्रीय कमेटी के साल भर के सदस्यता शुल्क के तौर पर उसे लिया जा रहा है। चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, जैसे कि आपको भी पता होगा 22 या 24 को यहाँ पर आचार संहिता लागू होने वाली थी, जो कि अब हमारे जो 27 अगस्त तक मतदाताओं की सूची जारी किया जाएगा, इसलिए 27 के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकता है। तो इस वजह से हमारे दल ने, हमारे केंद्रीय कमेटियों ने, साथ ही साथ हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने ये निर्णय लिए कि दावेदारी फॉर्म के साथ साथ जितने भी व्यक्ति आते हैं उनका सदस्यता शुल्क भी ले लिया जाए। तो ये जो पैसा लग रहा है ना, ये सदस्यता शुल्क लग रहा है। हमारे जयराम महतो तो बोलते हैं, मैं तीर्थनाथ आकाश के साथ उन सारे लोगों को कहना चाहूंगा, हमारे टाइगर जयराम महतो तो बोल रहे हैं कि किसी को फॉर्म खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने विधानसभा में किसी एक व्यक्ति को सिलेक्ट करो और उसको भेज के दावेदारी क्या सीधे सीधे उसका प्रत्याशी नाम घोषित कर देंगे। वो तो नहीं बोल रहे कि इतने लोग आओ, लेकिन इतने क्रांतिकारी युवा है कि सभी दौड़ के जा रहे हैं कि फॉर्म भरने के लिए। यही तो सोचना है, यही तो हमें विचार करना है। क्या हमने लड़ाई विधायक बनने के लिए शुरू किया था? क्या हमारा आंदोलन निजी स्वार्थ के लिए है? क्या हमारा आंदोलन विधायक बनने के लिए है? नहीं, हम सारे लोगों को सोचना है कि हमारे क्षेत्र में जो बेहतर है, जो कैंडिडेट बेहतर है, जो उम्मीदवार लायक है, जो उम्मीदवार हमारे विधानसभा के समस्याओं को, मुद्दाओं को विधानसभा में जाकर डंके की चोट पे बोलकर हमारी समस्याओं को समाधान कर सके, ऐसे लोगों को चुनाव करके भेजने की आवश्यकता है। और अगर दूर से ही लोग बोलेगा कि फॉर्म का दाम इतना लग रहा है, फॉर्म का कीमत ये लग रहा है, ये चंदा वसूलने के लिए है, तो फिर मैं तो कहूंगा कि ये बहुत सरासर गलत है। और जो टिप्पणी कर रहे हैं उन्हें और JBKSS को नजदीक से जानने की आवश्यकता है। मैं तो कहता हूं कि आप कभी भी कहीं भी किसी भी तरह का किसी को कोई दिक्कत होता है तो हमारे हर जगह पर क्रांतिकारी साथी हैं। सबसे पहले कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो आप पहले उसको कंफर्म हो लें कि सत्यता कितना है, उसके बाद ही कहीं पर जाकर आप सार्वजनिक बातों को रखें। तो राकेश जी कारण क्या है? वो केवल आप ही लोगों के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, दूसरे दलों पर टारगेट नहीं करते हैं, बात क्या है? आखिर पत्रकार है तो कुछ तो उनको क्लू मिला होगा। देखिए पत्रकारिता अनुरुद्ध आप भी करते हैं, मैं आपके चैनल में देखता हूं कि आप जिस तरीके से JBKSS के लोगों से सवाल करते हैं, अच्छा हो तो अच्छाई के बारे में करता है और हम सारे लोगों से गलत होता है तो फिर आप आलोचना भी करते हैं। साथ ही साथ आप दूसरे दल के भी किसी को, चाहे बीजेपी हो, आजसू हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आप किसी भी दल के किसी भी व्यक्ति से, किसी भी लीडर से बात करते हैं तो आप आलोचना को आलोचना के रूप में लेते हैं, और अगर उनका दल भी कोई अच्छा कदम करते हैं तो आप उनको तारीफ करते हैं। ये हुआ असली पत्रकारिता, यही तो पत्रकारिता। लेकिन वो क्या कर रहा है? आज झारखंड सरकार ने मैया योजना लागू किया। इस मैया योजना में क्या लगता है कि हर एक महीना 1000 रुपया 18 साल से 50 साल के महिला को दे पाएगा सरकार? अब सोचिए हमारे यहां जो अनुबंध कर्मी है, या हमारे यहां लगभग हर एक महीना आप देखिए रांची जाइए, राजभवन में कोई ना कोई विभाग के लोग, या फिर राजभवन में, या फिर आपका मोराबादी में, या फिर अपने जिला में, या फिर प्रखंड में, वे सारे लोग क्या कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो एक सोचने वाली बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी व्यक्तिगत राय रख रहा हूँ, ये सोचने वाली बात है कि अभी सहायक पुलिसकर्मी लोग अगर धरना पर बैठे थे तो किस लिए बैठे थे?
अपने वेतन को बढ़ाने के लिए, अपने स्थायीकरण के लिए। आज सहिया साथी की अगर बात करें, अगर आंगनवाड़ी सेविका की बात करें, पारा टीचर की बात करें, इतने कितने ऐसे विभाग हैं जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं, जो झारखंड के लिए काम कर रहा है। तो जो काम कर रहा है उसको आप पैसा नहीं बढ़ा रहे हो, और अब 18 से 49-50 साल के लोगों को फ्री में महीना में 1-1 हज़ार, ये दिखने में सुनने में 1 हज़ार लग रहा है। पूरे झारखंड की अगर बात करूं, लगभग 1,59,00,000 महिलाएं हैं 18 साल से 59 लाख में, तो 1,59,00,000 गुना 1,000 यानी 1,59,00,000 झारखंड के पूरे बजट से भी ज्यादा हो जाएगा। कहां से आएगा पैसा? ये टकाटक है, सॉरी खटाखट है। इससे लोकसभा चुनाव में भी आप देखे होंगे, सुने होंगे कि इन्हीं गठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथियों ने घोषणा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो अगला ही दिन, सरकार बनती है नहीं, चुनाव के अगला ही दिन उन्होंने एक फॉर्म दिया था, उस फॉर्म को भरो और कार्यालय में आके 7,500 करके ले। कितने लोगों को 7,500 मिला है? इससे पहले अबुआ आवास योजना आया था, बड़े ही ताम झाम के साथ अबुआ आवास का पूरे एकदम हमारे जो टैक्स से पैसे आते उन पैसे से जगह जगह पर बैनर पोस्टर लगाकर इस तरीके से उन्होंने उनका विज्ञापन जारी किया। लगता है कि झारखंड में पहली बार कोई 72 झारखंडियों के लिए कोई योजना आया है। और वही आप देखिए, पूरे गांव का आप दौरा करते हैं। आज आप हमारे ईचागढ़ विधानसभा में हैं, आप यहीं इसी गाँव में पता कर लीजिए कि गाँव में कितने लोगों का अबुआ आवास मिला है। तो ये सिर्फ चुनाव के लिए क्या कर रहा, लॉलीपॉप फेंका जा रहा है। तो यही बात है, मैं बोलना चाहूंगा उन पत्रकार को, विशेषकर तिरत्नाथ आकाश को, क्या आप टिप्पणी करिए उनको भी, आप आवाज उठाइए उनके लिए भी। आज सीजीएल के एग्जाम बार बार पोस्टपोन्ड हो रहा है, आज 7 साल के बाद जेटेड हो रहा है, ये भी आश्चर्य लग रहा है कि ये टेट एग्जाम होगा अभी कि नहीं होगा। अभी जेएसएससी का भी, अभी जेएसएससी के एग्जाम अटका हुआ है, आप इसमें भी तो सवाल उठाइए। नहीं, किस सितंबर को डेट दिया आज? वो तो डेट बढ़ते ही जा रहा है, क्या आपको, हमको तो नहीं लगता होगा एग्जाम, देखा जाए अच्छा होगा। तो अभी कुछ दिन पूर्व हमारे नेता देवेंद्रनाथ महतो, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी देवेंद्र दा को हिंसक रूप से मारा गया, जान उसका मतलब लेने की स्थिति पे आ गया था, उस पर भी तो कभी आवाज रखिए। मैं तिरत्नाथ आकाश जी से सीधा सीधी बोल रहा हूं, आप सबको बराबर नजर से देखिए। और अगर आप सिर्फ जेबी के एसएस जेएल के और विशेष करके हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम बातों के बारे में बोल रहे हैं, तो आप आलोचना नहीं कर रहे हैं, आप बुराई कर रहे हैं। और बुराई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने कभी सपना देखा था कि मेरी भी जयराम महतो की तरह जयकारा हो? तो भाई, लोग चाहने से नहीं होता है, आपके अंदर काबिलियत लाना पड़ता है। आज टाइगर जयराम महतो ने अपना जान झारखंडवासियों के लिए लगा दिया है, आज उनके अंदर 12-13 बीमारियां हैं, आज अभी दिल्ली से अपने गले और फेफड़े का इलाज करा के आ रहे हैं। डॉक्टर ने 1 साल पहले कह दिया था कि आप इस तरह से लगातार अगर ज्यादातर बोलेंगे तो आपके गले में घाव होगा, फेफड़े में घाव होगा। लेकिन उन्होंने झारखंड के हित के लिए, झारखंड के कल्याण के लिए, झारखंड के बच्चों के भविष्य के लिए, झारखंड के नवनिर्माण के लिए उन्होंने अपने शरीर को भी कुर्बान कर दिया है। तो कभी अच्छा भी बोला करिए तिरत्नाथ आकाश जी। मैं आपका चैनल का सब्सक्राइब भी हूं, मैं आपके न्यूज को भी देखता हूं, तो एक श्रोता होने के नाते मैं आपसे निवेदन करूंगा तिरंदनाथ आकाश भैया कि आप कभी हमारे अच्छाई को भी दिखा करिए। और अगर आप अच्छाई नहीं दिखा सकते हैं तो बुराई करने का आपको अधिकार नहीं है, बुराई करने का आपको कोई हक नहीं है। आलोचना आप कर सकते हैं, आप 100 बार आलोचना करिए, आपके हर आलोचना में हम लोग अपने आप को सुधारने का कोशिश करेंगे। लेकिन अगर बुराई करिएगा तो फिर हम लोग पीछे हटने वाले नहीं और हम लोग डरने वाले भी नहीं है। कहने का मतलब है कि वो किसी हीन भावना से ग्रसित है। हाँ हाँ, तो राकेश जी, अब हुई बात इधर आपके जो फॉर्म की बात, अब मैं करूंगा आपके ईचागढ़ क्षेत्र के। इस क्षेत्र में मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं अब कैंडिडेट बनकर विधायक का फॉर्म भरने के लिए गए थे धनबाद, तो आप उस पर क्या कहेंगे, उन लोगों को क्या राय देंगे? क्या सभी अगर विधायक बन जाएंगे या सभी अगर कैंडिडेट मतलब करेक्ट है, 100% सही है, तो उसमें से आपके अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो कैसे चुनाव करेंगे आप लोगों का? देखिए, एक तो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और इस हमारे देश में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। और आज अगर हमारे ईचागढ़ विधानसभा से भी ने, जैसे आपने कहा कि कई सारे लोगों ने फॉर्म को लिए हैं, तो हर एक किसी
जो आज हमारे इस जेबीकेएसएस जो आज जेएलकेएम है आज लगातार 3 साल से जो संघर्ष कर रहे हैं और जिनको लगता है कि हाँ मैं विधायक के लायक हूँ, उन्होंने अपने दावेदारी किया और स्वागत करता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ। मुझे तो बड़ी गर्व हो रहा है कि आज दूसरे दलों को देखिएगा, लोकसभा में भी वही प्रत्याशी और विधानसभा में भी वही प्रत्याशी, एक सीट में दूसरे दलों को प्रत्याशी नहीं मिलता है। आज गर्व की बात है जेबीकेएसएस में, आज मैं गर्व करता हूं अपने पार्टी पर, जेएलकेएम पर, कि हर विधानसभा में हमारे पास 9-9, 10-10 लड़ाकू बैठे हुए हैं, हर विधानसभा में 10-10, 15-15, 20 पर प्रत्याशी बैठे हुए हैं। प्रत्याशी बैठे हैं, ठीक है, उनका भी हक है, एक प्रजातांत्रिक सिस्टम है, लेकिन मान लीजिए अभी आपको टिकट नहीं मिलता या आपके जो दूसरे फल्ला वरुण अजय जो भी नाम के हैं उनको टिकट नहीं मिलता है, तो वो फिर आपके विरोध में काम करने लगेंगे और दूसरे दलों में जाके काम करने लगेंगे, तब क्या होगा? अगर कोई स्वार्थ लाभ में आया है हमारे जेबीकेएसएस में, अगर निजी सोच के लिए आया होगा कोई, तो फिर वो इस तरह का काम करेंगे। अब आपने जैसे कहा किसी एक्स वाई जेड को टिकट मिल गया, आपका कहने का अर्थ है कि फिर मैं क्या करूंगा। देखिए, आज किसी भी व्यक्ति को हमारे विधानसभा से उसको टिकट मिलता है, तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति से हमें यह जानने का अधिकार है कि हमारे विधानसभा के मुद्दों को वो कहां तक समाधान कर पाएंगे, या ये मुद्दा उनको जानकारी भी है या नहीं। अगर हमारे विधानसभा की बात करें तो सबसे ज्वलंत मुद्दा है हमारा चांडिल डैम, बहुउद्देशीय स्वर्णरेखा परियोजना, 84 मौजा 116 गांव। अगर उसको 84 मौजा 116 गांव के बारे में जानकारी ही नहीं होगा, आज विस्थापित किस परिदृश्य के साथ जीवित हैं, आज विस्थापितों को विकास पुस्तिका मिला या नहीं मिला, आज विस्थापितों को मुआवजा मिला या नहीं मिला, आज विस्थापितों को नियोजन मिला या नहीं मिला, आज विस्थापितों को कोई पैकेज मिला या नहीं मिला, या विस्थापितों की कहां कहां पर हमारे कौन कौन सा गांव विस्थापित हैं, उसकी भी जानकारी नहीं होगा, तो फिर ऐसे व्यक्तियों को तो उम्मीद करता हूं हमारे पार्टी टिकट नहीं देंगे। और ये सिर्फ विस्थापितों की ही मुद्दा नहीं है, अगर मैं उससे बाहर आऊं, हमारे चांडिल प्रखंड में से घोड़ानेगी, रुसुनिया पंचायत, रुचा पंचायत के कुछ है, बाकी जितने भी पंचायत हैं, अगर मैं बात करूँ चौका मंडल की, तो झाबरी, आपका उरमाल, चौका, चावलीबसा, आपका घोड़ानेगी, खूंटी, इधर अगर जाऊं हेसाकोचा, उसके अगर अंदर जाऊं मतकामडी, धुनाबुरू, ये जो 9 पंचायत है इसके बारे में भी उसके पास जानकारी है या नहीं। अगर मैं चांडिल मंडल में आऊं तो रोशनिया, तो चलिए चांडिल डैम में जा रहा, इससे अगर बाहर में निकलूं तो घोड़ानेगी, सॉरी इधर आपका आसनबनी, आपका चिलगू, उसके बाद तामोलिया, ये सारे जगह, जितने सारे जगह का भी उनको कहाँ समस्या क्या है, कहाँ पर क्या मुद्दा है, ये सारा जानकारी तो होना चाहिए। इसी तरह से निमडी प्रखंड में, इसी तरह से कुकड़ू प्रखंड में, जहाँ जो समस्या है उन समाधानों को देखिए। आज तक हम सारे लोगों ने विधायक तो भेजा है, विधानसभा विधायक तो भेजा है, लेकिन आज तक किसी भी विधायक को विधानसभा में हमारी समस्याओं को लेकर बहस करते हुए नहीं देखा है, हमारी समस्याओं के समाधान को वहां पर विधेयक पारित कराने के लिए लड़ते हुए नहीं देखा। तो हमें ऐसे विधायक चाहिए जो विधानसभा में जाकर हमारी समस्याओं का समाधान कर सके, और अगर ना उसको विधानसभा का हिस्ट्री मालूम होगा, ना उसको विधानसभा का भौगोलिक जानकारी होगा, ना उसको विधानसभा का समस्याओं का जानकारी होगा, फिर ऐसे व्यक्ति को भेजेंगे तो क्या होगा? सिर्फ वो विधायक ही बनकर जाएगा, वो टाइगर का सेना बनकर नहीं जा सकता, या टाइगर बनकर नहीं जा सकता है। तो अंत में अपने इस ईचागढ़ क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हमारे विधानसभा के सभी वासियों को, जनताओं को मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आज तक आपने जितने भी बार वोट किए हैं, कभी आपने पार्टी के नाम पर किए हैं, कभी आपने नेता के नाम पर किए हैं, कभी आपने जाति के नाम पर किए हैं, कभी आपने धर्म के नाम पर किए हैं, इस बार आप अपने वोट को पहचानिए। आज अगर हमारा विधानसभा इतना पिछड़ा है, आज अगर हमारे विधानसभा में बार बार अच्छे मतों से विधायक भेजने के बाद भी अगर समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा, तो इसका एक ही कारण है कि हम लोग सही व्यक्ति को विधानसभा में नहीं भेजते हैं। इस बार आप खुद निर्णय लीजिए,
नेता आते रहेंगे, नेता जाते रहेंगे, हर 5 साल में चुनाव होते रहेंगे, लेकिन आपका समस्या का समाधान होना चाहिए। आज आपकी जो वोट है ना, वोट की ताकत को पहचानिए, आज आप अपने वोट की कीमत को पहचानिए। यही एक वोट है जो हमारे बच्चों की स्कूल की शिक्षा को मजबूत करेगा। यही एक वोट है जो हमारे बच्चे जब वयस्क हो जाएंगे तो उनको नौकरी, उनका नियोजन दिलाने का काम करेगा। यही एक वोट है, इस वोट से हमारे रोड, रास्ता, नाला, यही एक वोट से तय होता है। यही एक वोट है जिस वोट से हमारे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल से लेकर हर एक चीज इसी वोट से होता है। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि हर बार की तरह अगर दारू, मुर्गा या फिर पैसे से आपने वोट को देंगे तो आप अपने घर से निकल के जो रास्ता देखते हैं ना, कीचड़ भरा रास्ता, गंदा भरा रास्ता, टूटा हुआ रास्ता, तो अगर वोट अगर आप दारू और पैसे से देंगे तो जिंदगी भर इसे टूटा हुआ रास्ता पर ही चलना पड़ेगा। आज हमारे पूरे अनुमंडल की अगर बात करूं तो हमारे पास अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। आज अगर आप अपने वोट को नहीं समझिएगा तो हमको कभी हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। आज हमारे पूरे अनुमंडल में महिला कॉलेज नहीं है, पीजी करने के लिए विश्वविद्यालय नहीं है। तो अगर आप दारू और मुर्गा पे वोट करिएगा, विवेचना करके अगर आप वोट नहीं करिएगा, सही कैंडिडेट को अगर नहीं भेजिएगा, तो इन सारे चीज़ों से हम हमेशा के लिए पीछे हटते जाएंगे। इसलिए सभी से मेरा निवेदन, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस बार आप स्वयं सोचिए कि आज तक बहुत हो गया कि पार्टी के नाम पर हमने वोट दिया है, इस बार आप कैंडिडेट को देखकर वोट दीजिए। ऐसा कौन कैंडिडेट हो सकता है जो आपके लिए काम करे, जो कि पार्टी के लिए नहीं काम करे? ऐसा कौन सा कैंडिडेट होगा, उम्मीदवार होगा, जो अपना पूंजी बढ़ाने के लिए काम नहीं करे, जो आपके लिए काम करे? ऐसे व्यक्ति को आप विधानसभा भेजने का काम करेंगे। राकेश रंजन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। खास करके मैं चाहता भी हूँ कि JLKM जो है अन्य पार्टियों की तुलना में अच्छा काम करे। जिस तरह की बातें जी टाइगर जयराम महतो जी कहते हैं, आने वाले दिनों में अगर इस तरह से काम करे, अगर मान लीजिए बाय द वे ये पार्टी झारखंड में अपना कुछ स्थान लाती है और कुछ अच्छा काम करती है, तो आशा करता हूँ कि झारखंड का नवनिर्माण होगा। तो दोस्तों, जय झारखंड, जय झारखंड। राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।